हाय एवरीवन, आज की इस रेसिपी में हम बनाएंगे ऑनियन कैप्सिकम करी। ये एक बहुत ही टेस्टी एंड डिलीशियस रेसिपी है। बहुत ही बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इसे अपने घर में बना सकते हैं। इंग्रेडिएंट्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सबसे पहले हम कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। मैंने यहाँ पे ऑलिव ऑयल का यूज़ किया है, पर आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। ऑयल के गर्म होते ही अब हम इसमें क्यूमिन सीड्स ऐड करेंगे। क्यूमिन सीड्स के थोड़ा सा भुनते ही अब हम यहाँ पर पिंच ऑफ हींग ऐड करेंगे। अब हम यहाँ पर कटी हुई ग्रीन चिलीज, जिंजर एंड गार्लिक ऐड करेंगे। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा हुआ है। अब हम इन्हें अच्छे से आधा मिनट के लिए भून लेंगे। अब हम इसमें चॉप्ड अनियंस ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज के अनियंस को चॉप करके लिया है। अब हम इस प्याज को अच्छे से 2 मिनट्स के लिए सौते होने देंगे। जैसे ही प्याज हमारा अच्छे से भुनकर तैयार हो जाएगा, अब हम इसमें मसाले डालना शुरू करेंगे। गैस का फ्लेम अब हम यहाँ पर लो कर देंगे। अब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर ऐड करेंगे। अब हम अपने मसालों को अच्छे से भून लेंगे। मैं यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारे जो मसाले हैं वो जले नहीं। अब हम अपने मसालों को 1 मिनट के लिए लगभग अच्छे से भून लेंगे। मसालों के अच्छे से भुनने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 टेबलस्पून बेसन ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पे बेसन को कच्चा ही ऐड किया है, पर आप चाहें तो बेसन को ड्राई रोस्ट करके भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने कच्चा बेसन ऐड किया है, इसीलिए हम अपने बेसन को यहाँ अच्छे से 1 मिनट के लिए भुन लेंगे। जैसे ही बेसन अच्छे से भुन जाएगा, इसमें से एक बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। बेसन हमारा भुनकर तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर 1 कप टमाटो प्योरी ऐड करेंगे। अब हम इसे अच्छे से मिला देंगे। सभी चीज़ों के अच्छे से मिक्स हो जाने के बाद अब हम इसे ढककर 1 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। 1 मिनट के बाद कढ़ाई का ढक्कन उठाकर हम वापस से इस मिक्सचर को चलाएंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच किचन किंग पाउडर और 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे। मिला दें अच्छे से। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे कंटिन्यूसली लो ही रखा है। कढ़ाई का ढक्कन कवर करके अब हम अपनी ग्रेवी को फिर से थोड़ा सा पका लेंगे। 1 मिनट तक अच्छे से पकाने के बाद अब मैं यहाँ पर 1/4 कप फ्रेश क्रीम ऐड करूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर मलाई का यूज़ भी कर सकते हैं। अब मैं इसमें 1/4 कप दूध ऐड करूँगी। पानी की बजाय अगर आप इसमें दूध डालकर पकाएंगे तो इसका टेस्ट जो है वो बहुत अच्छा आएगा। अब हम 5 मिनट के लिए अपनी ग्रेवी को अच्छे से भुनने देंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारे मसाले जो हैं वो तेल छोड़ने लगे हैं। अब हम इसे तब तक भुनेंगे जब तक कि हमारी ग्रेवी जो है वो थोड़ी थिक नहीं हो जाती। ग्रेवी के थिक होते ही अब हम यहाँ पर कैप्सिकम और ऑनियंस को ऐड करेंगे। मैंने यहाँ पर जो सांभर के लिए ऑनियन आती हैं वो यूज़ की हैं, पर आप चाहें तो नॉर्मल ऑनियन को भी कट करके यूज़ कर सकते हैं। छोटी वाली ऑनियन डालने का रीज़न ये है कि ये यहाँ पर देखने में बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छे से मिला देने के बाद अब मैं यहाँ पर 1 कप पानी ऐड करूँगी। अब हम इसमें नमक डालेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करके हम 10 मिनट के लिए ढककर पका लेंगे। गैस का फ्लेम आप लो ही रखिएगा, वरना आपकी सब्ज़ी जो है वो नीचे कढ़ाई में लग सकती है। बीच बीच में हम 1-2 बार कढ़ाई में ढक्कन उठाकर अपनी सब्ज़ी को अच्छे से स्टियर करते रहेंगे। ढक्कन को आप अपनी तरफ ऐसे ही रखकर चलाएं ताकि कोई भी तरह का छींटा आपके ऊपर ना पड़े।
10 मिनट के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो सब्जी है वो ऑलमोस्ट बनकर रेडी हो चुकी है। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड करेंगे। कसूरी मेथी को ऐड करने से पहले आप अपने हाथों के बीच ऐसे क्रश करके डालें, मिला दें इसे अच्छे से। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे और अब हमारी सब्जी जो है वो सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो गाइस, आप देख सकते हैं हमारी ऑनियन कैप्सिकम करी बनकर तैयार हो चुकी है। दिखने में ये जितनी अच्छी लग रही है, खाने में ये उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छी लगती है। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। आप इस सब्ज़ी को गर्मा गर्म पराठों के साथ, रोटी के साथ या नान के साथ सर्व कर सकते हैं। एंड अब जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जिसके बारे में हम सभी जानते हैं, प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हम मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए स्टे सेफ, बी हैप्पी, टेक केयर गाइज़।